तो चार साल में पहली बात तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, पूरी देश की अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो जाएगी सर। बिल्कुल जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना सर। ये सरकार लेके आ रही है ये फैसला, मुझे तो पूरी तरह गलत ही लगता है। सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है, जिसकी घोषणा के बाद से ही भारत के कई हिस्सों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोरों पर है, जो समय के साथ शांत होने के बजाय उग्र होता जा रहा है। इस अग्निपथ स्कीम को लेकर G9 न्यूज ने मथुरा डिफेंस में पढ़ाई कर रहे छात्रों से बात कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। देखिए अग्निपथ पर G9 न्यूज से श्याम मोनू चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। सरकार के द्वारा अग्निपथ एक स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें सेना में भर्ती के लिए 4 साल के लिए उनको नौकरी दी जाएगी। उसको लेकर हम कुछ युवा हैं जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि वे इस विषय में क्या सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मनीष कुमार। मनीष जी, जिस तरह स्कीम आई है क्या सोच रहे हैं आप? मैं सर इसको एक लाइन में डेफिनेशन करना चाहूँ तो इसको करना चाहूँगा नौजवानों के साथ में धोखा स्कैम। जी सर, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं, आपने जैसे कि अभी बताया 4 साल के लिए किया गया है इसको, तो 4 साल में अगर बच्चा तैयारी करता है इसकी रनिंग की, तो 4 साल में प्रॉपर तरीके से तैयार होता है। आपने बोला राज्य सरकारें हैं हमारी, तरह तरह बता रही हैं कि हम लोग जो इसमें अपॉर्चुनिटी देंगे, आप आएंगे तो प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? आप देखो, दो बच्चे हैं, एक घर में दो बच्चे होते हैं, तो एक तैयारी करता है पुलिस की और एक तैयारी करता है किसकी? आर्मी की। तो नॉर्मली तरीके से 4 साल लगता है बच्चों को तैयारी करने में, तो एक बच्चा आर्मी में लग गया, दूसरा वाला पुलिस की भर्ती देख रहा है। उस बच्चे को देखो आप, जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे यहाँ पुलिस की भर्ती 4 साल तो आम बात हो गई है ना, 4 साल में तैयारी आती है, बच्चे को प्रायोरिटी देंगे आप लोग, आ जाएगा वहाँ से। तो 4 साल में पहली बात तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि होता क्या है, 9 महीने तो आपकी ट्रेनिंग में निकल जाएगा, उसके बाद में आप एक प्रॉपर सैनिक देना चाहो, सेलर देना चाहो, कोई भी देना चाहो, तो कम से कम मेरे हिसाब से या आपके भी हिसाब से 7 साल में कंप्लीट तैयार होता है। तो वहाँ से बच्चा जब तक प्रॉपर तैयार नहीं होगा उससे पहले आप निकाल दोगे। देशभक्ति जुनून जो बच्चे का होता है लड़ने का, वो नहीं दे पाएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो भविष्य के बारे में सोचेगा वो, क्योंकि 4 साल के बाद में उसे क्या करना है वहाँ जाके। ये लोग दलील दे रहे हैं कि हम पेंशन के बारे की वजह से कर रहे हैं। भैया आप एक बात बताओ, पेंशन देना है आपको तो आप लोग जो है विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद में आप पेंशन देते हो उसको रोक दो। एक एक बंदे को, एक एक को आप दो दो पेंशन दे रहे हो। मैंने यहाँ तक देखा है, मैंने जानकारी करी है, एक एक बंदे को 10-10 पेंशन मिल रहा है सर। जो पूर्व सांसद और विधायक हैं हमारे यहाँ, वो करीब 3580 लोग हैं, तो उनको हम लोग पेंशन देते हैं। उसके बाद में उनके मरने के बाद में उनके जो परिजन हैं उनको भी पेंशन देते हैं हम लोग। एक करीब संख्या बैठेगी 600-700 के समथिंग, तो ओवरऑल हम मिलाएं तो कोई 4200-4300 लोग हैं। ये यहाँ डाटा निकल के आया था कि 2017-18 में इन लोगों ने 58 करोड़ रुपये का पेंशन दिया था, एक साल बाद में 70 करोड़ 50 लाख रुपये का हो गया। इसको बंद कर दीजिए। तो आपको क्या लग रहा है क्यों कर रही है सरकार? सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ एक ठेकेदारी बेस हो गया सर, ये कुछ नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो मेरा नाम मिथुन नरंगर है। जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहूँगा कि कोई भी बच्चा जो आर्मी वाला होता है या एयरफोर्स वाला, तो शुरू से एम लेके बैठा होता है एक कि मुझे आर्मी में जाना है। बच्चों का शुरू से क्लियर होता है, 8वीं क्लास से ही क्लियर कर देते हैं। जब बच्चा 6-6 साल मेहनत कर आर्मी के लिए जाना चाहता है, क्या सर वो 4 साल के लिए जाएगा? जो बंदा 6 साल के लिए मेहनत कर रहा है वो 4 साल के लिए, उसे तो मेहनत की 6 साल भी नहीं मिली उसे। बहुत से लोग इसे सही भी बता रहे हैं कि 4 साल में आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या और भी कुछ आपको नौकरी भी दी जाएगी हरियाणा में, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में। सर क्या ये रिटर्न में दिया है? नहीं, ट्वीट किया खुद मुख्यमंत्री ने, ट्वीट किया ट्विटर पे, तो सर SI की भी ट्वीट हुई थी कि इसकी SIT बैठेगी, उन्होंने तो मुँह से ही बोला था। तो सर ये मुँह से बोलने वाली तो गलत है ना, दिया क्या है? मतलब रिटर्न में देना चाहिए आपका मानना है? इसके बाद रिटर्न में ये तो दीजिए, आप वहाँ से जो रिटायर होकर आएंगे उन्हें दोगे क्या? क्या दोगे? वो करेंगे क्या? उनके लिए कोई फ्यूचर सिक्योर करो तो सही है, अभी तो गलत है ना, फ्यूचर तो सिक्योर नहीं है उनका। आप क्या कहना चाहेंगे? आप सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब 4 साल जो आर्मी की ट्रेनिंग, मतलब आर्मी की नौकरी करने वाला बंदा जब ड्यूटी करने के बाद घर आएगा, तो मतलब कोई गैंगस्टर या कुछ बन जाए तो पुलिस के हाथों कभी आ नहीं सकता सर। फिर इससे मतलब कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो जाएगी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, आप क्या कहें? नाम क्या है? विष्णु कुमार। क्या कहेंगे सर? ये TOD सबसे बकवास है। पहले तो ये सुनो सर, मतलब बच्चे को NCC करने में 3 साल लग जाते हैं, 3 साल की NCC, फिर 4 साल की जॉब, ओनली 3 साल के बाद उसे 4 साल की जॉब मिलेगी। वो मतलब उसकी ज़िंदगी के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना सर।
बर्बाद हो रहा है, भविष्य हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है सर, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नाम आपका? प्रहलाद। प्रहलाद जी, सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया, स्कीम लेकर आए हैं जी सर, अग्निपथ। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? जी सर, हम पहले तो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब सरकार के फैसला आने के बाद हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सर सरकार का फैसला मानना पड़ेगा, अब चार साल के लिए क्या करें फिर। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भूपेंद्र कुंतल है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। इतना सरकार ने एक स्कीम निकाली है अग्निपथ, क्या कहेंगे? सर ये बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ। एक गरीब घर का बच्चा आर्मी में जाता है, मीडियम परिवार का, जो पैसे वाले हैं वो तो आर्मी वगैरह देखते ही नहीं है। नेता का बच्चा एक भी आर्मी नहीं जाता है, गरीब घर के जाते हैं, चार साल मेहनत करते हैं, पाँच साल मेहनत करते हैं, उसके बाद वो सिलेक्शन लेने आते हैं, अपनी लाइफ में फौज में थोड़ा बहुत कैरियर देखते हैं, वो इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। तो ये गलत है। और जो पिछली भर्ती है दो तीन साल से चल रही थी, वो अब आके कराई इन्होंने, दो साल से पेपर नहीं हुआ है उसका, और वो फिर कैंसिल कर दी। वो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, ये गलत बात है। आपका? वीरेंद्र सिंह। आप भी बहुत की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या देख रहे हैं फैसले को जो सरकार लेकर आ रही है? ये सरकार लेके आ रही है ये फैसला, मुझे तो पूरी तरह गलत ही लगता है। पिछली भर्ती हुई है दो तीन साल से तो भर्ती नहीं हुई, पिछले बच्चों का भी रिजल्ट रोक दिया गया है, बच्चों ने दो दिन में बहुत सुसाइड की है, इससे बहुत निराश हैं बच्चों में, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी लग रही है। ये सरकार ने बहुत ही गलत फैसला लिया है। ये नहीं हो सकता था कि टीओडी फिर भी ठीक कहीं मायने में सही हो सकती थी, जो पुरानी भर्ती है उनको पहले क्लियर कराते, क्योंकि बच्चे उस आस में लगे थे दो तीन साल कुछ नहीं, तो कम से कम टीओडी में उन बच्चों को तो ले ही लेते चार साल में, क्योंकि उनके जो वो कुछ तो अपना कैरियर महसूस करते, पर इन्होंने तो पूरा ख़त्म ही कर दिया। आप क्या कहेंगे? ये जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो जैसे चार साल बाद बच्चे क्या करेंगे, वो घर बैठ जाएंगे। और प्लस आप ये बात तो जानते हो, कोई भी सही एक बार कहीं सेलेक्ट हो जाता है उसके खर्चे भी हाईफाई हो जाते हैं, जब वो खर्चे हाईफाई से वो गांव में जब गांव में पत्थर डालेगा तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा। कोई जवान सेना से रिटायर होकर गांव में पत्थर डालता हुआ अच्छा थोड़ी लगेगा, वो कहीं बंदूक लेके नौकरी करेगा अच्छा थोड़ी लगेगा, वो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ है, बचपन से उसका सपना था मैं देश के लिए बहुत कुछ करूंगा, और हर समय वो सोचता रहता था कि किस दिन आर्मी की भर्ती आएगी, और आर्मी ने ऐसा कर दिया कि टेस्ट ही बिल्कुल ये समझ लो ऐसा फैसले को। ये फैसला तब सही होता है, पहली भर्ती जो रुकी पड़ी थी उनको क्लियर करवा के तब ये लागू होता। क्या नाम है आपका? धीरज चौधरी। सरकार के द्वारा एक अग्निपथ स्कीम लाई गई है, क्या दिखता है आज युवा? ये युवा देख रहा बहुत बेकार चीज़ स्कीम है ये, और इसके द्वारा बच्चों ने कितनी आत्महत्या कर ली है, बच्चों को इससे बहुत परेशानी हो रही है, रिजल्ट रुक गए उनके, और सरकार ने कहा है कि एक साल में 46,000 कुछ वैकेंसी निकालेंगे, जरूरी है वो एक साल में करा देंगे उसको पूरा। मंजीत जी, ये स्कीम आपने सुनी होगी सरकार लेकर आई है अग्निपथ। हाँ जी, क्या लग रहा है? ये सब बेकार है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को अवश्य है नहीं, चार साल नौकरी करेगा, निकालने के बाद देखो क्या करेगा फिर, ये बताओ पहले। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि चार साल नौकरी करने के बाद फिर क्या दोबारा नौकरी देगी? सरकार कह रही है कि चार साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि पुलिस में उनको जगह दी जाएगी, ये तो हरियाणा भी कह रहा है ऐसे। ये तो कहते हैं पर करते कहाँ हैं? क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है सर। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं अभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, बट पहले डिफेंस में था, इसलिए मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। बिल्कुल सर, सरकार एक स्कीम लेकर आई है अग्निपथ, बिल्कुल इसमें आपको पता है? बिल्कुल पता है सर, ये बिल्कुल बेकार मतलब स्कीम है, इससे मतलब नए युवा हैं उनके मतलब इतनी आग लग रही है मतलब सीने में कि बिल्कुल ख़त्म समझ लो सर। क्यों ऐसा लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि सर एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था और आर्मी का वो था, इस मतलब ये क्लियर करना चाहिए था इनको, चाहे आगे से कुछ कर देना चाहिए था, बट ये तो क्लियर करना चाहिए।